Hello student, welcome back to the Training Sis Drawing Academy platform. So well, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कलर करते हुए दिखा रही हूँ एक कनेर का आलेखन. ये रेड कनेर है. सो आई एम सॉरी, मैंने इसको जो बेस जब कलर कर रही थी तो मेरा वीडियो पॉज था और मुझे पता ही नहीं चला. सो वेल, मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर फिल किया है अपने बेस में और मैं यहाँ पे रेड कलर फिल करूँगी कनेर में. ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कली फील कर रही हूँ. सो यहाँ पे मैं वाटर ऑयल टेक्निक यूज़ कर रही हूँ गाइज, बिकॉज इट इज़ वेरी बेसिक टेक्निक और ये बहुत अच्छे से कलर फील करेगा आपके. मतलब इस टेक्निक का यूज़ करोगे ना तो आपके आलेखन में चार चांद लगने वाले हैं. सो ये टेक्निक है क्या कि आपको सबसे पहले जिस भी कलर की वाटर ऑयल शेडिंग देनी है उसको आउटलाइन दीजिए पहले अपने सर्फेस एरिया पे, फिर उसको पतले वाले ब्रश की मदद से पानी थोड़ा थोड़ा लगा कर अंदर की ओर स्प्रेड करना होता है. सो मैंने यहाँ दोनों कली में वाटर ऑयल टेक्निक का यूज़ करके कलर फील किया है. वेल, यहाँ पे भी आप ये मेरे फ्लावर देखो तो सबसे पहले मैं आप देख पा रहे हो कि मैं आउटलाइनिंग दे रही हूँ. या बिल्कुल ऐसे ही करना है, 000 नंबर का ब्रश यूज़ करके आपको आउटलाइनिंग देनी है. मैं यहाँ पे रेड कलर का यूज़ करके आउटलाइनिंग दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं बहुत हल्का सा पानी अपने 3 नंबर के ब्रश में लूँगी और इन आउटलाइंस को अंदर की ओर स्प्रेड करूँगी, अपने जो फ्लावर का पेटल्स है उसमें स्प्रेड कर दूंगी और ये बहुत अच्छी लाइटेस्ट स्ट्रोक आएगा और काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा. सो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, मैंने बहुत थोड़ा सा पानी लिया, आपने मेरे हाथ पे देख सकते हो, उतनी पानी दिखाई भी नहीं दे रही यहाँ पे, बट ब्रश में देखो बहुत थोड़ी सी पानी है और ये ब्रश ये ब्रश 3 नंबर का ब्रश है. ठीक है, सो इसी ब्रश में हम थोड़ा सा पानी, बट ये याद रखिए ब्रश बिल्कुल क्लीन होना चाहिए गाइज, और फिर वही पानी से हम जो हमारा आउटलाइनिंग वाला कलर है उसी को हम अंदर की ओर स्प्रेड करेंगे और एक बहुत लाइट शेड आएगा आपके कलर का. ठीक है, जो कि थोड़ा सा स्प्रेडेड शेड होगा और जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा. अभी जब हमारा आलेखन बनके कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखना, आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा अदर टेक्निक्स में और ये वाटर ऑयल टेक्निक में. सो गाइज, मैं बात करूँ ये वाटर ऑयल टेक्निक, सो वेल, ये बहुत बेसिक टेक्निक है और बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ वाटर ऑयल टेक्निक है क्या, प्लीज़ इसको डिटेल में बताइए. सो मैं यहाँ बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ गाइज. आप यहाँ पर देखो, मैं बार बार जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ. यहाँ पे फिर देखो, मैंने थोड़ा सा ही वाटर लिया क्योंकि जब वाटर से आप धीरे धीरे अंदर स्प्रेड करोगे ना कलर को तो आपके जो ब्रश का वाटर है वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे ब्रश का पानी खत्म हो जाएगा. सो इसके लिए क्या करना होगा कि बहुत हल्का सा पानी आप दोबारा डिप, मतलब जब ब्रश को डिप करोगे पानी के उस प्याले में, सो वहाँ पर बहुत हल्का सा डिप करना, ये नहीं कि पूरा मतलब डाल दिया अंदर तक डाल दिया तो ब्रश बहुत तेजी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं गाइस. ठीक है, सो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ब्रश में ना ही ज़्यादा पानी हो ना ही कम पानी हो, इस चीज को ध्यान में रख करके आप कलर फिल करोगे अंदर की ओर. सो यू कैन सी यहाँ पे जो हमारा फ्लावर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है गाइज. और इवन मतलब जब आप रोज़ कर रहे हो तो भी ये वाली टेक्निक यूज़ करो, या फिर कोई भी फ्लावर कर रहे हो ना तो ये टेक्निक यूज़ करोगे तो काफ़ी खूबसूरत से आपका फ्लावर बन के मतलब कलर होके आएगा और बहुत अच्छा दिखाई देगा. ठीक है, सो यहाँ पे अभी मैं फिर से 000 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ पे अब आउटलाइंस दूंगी. ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करूँगी रेड का, और रेड को थोड़ा सा डार्क करने के लिए आप रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिला लो, बहुत हल्का सा ब्लैक मिलाना होता है, और ब्लैक मिला लो या फिर ब्लू मिला लो तो रेड ऑटोमेटिकली वो अपने नॉर्मल स्टेज से थोड़ा सा डार्क हो जाएगा जो आप आउटलाइन देने के लिए यूज़ करते हैं या फिर मतलब हर लोग यूज़ करता है. मैं भी वही यूज़ करती हूँ बच्चों को दिखाने के लिए. सो फिर से 3 नंबर का ब्रश यूज़ करके मैं जो हमारी शेड स्ट्रोक है उसको मैं अंदर की ओर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी. ओके, ताकि हमारा जो फ्लावर है और लीव जो बर्ड्स है कलियां हैं वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दें. ठीक है, सो बट जब आप कलर कर रहे हो ना तो ब्रश की यूजिंग आपके कन्वीनियंट के हिसाब से होगी कि आप कौन सा ब्रश यूज़ करने में कंफर्टेबल हो, बट मैं यहाँ पे 3 नंबर का ब्रश और 000 नंबर का ब्रश यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट मेरे को लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है. सो यहाँ पे मैं 3 नंबर का ही ब्रश यूज़ कर रही हूँ और 000 नंबर का आउटलाइनिंग के लिए, 000 एंड स्ट्रोक्स देने के लिए मतलब शेडिंग स्ट्रोक देने के लिए मैं 3 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ. सो यहाँ पे आप देखो, मैं कलर में रेड कलर में थोड़ा सा वाइट मिला है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और रेड मिलाऊंगी बिकॉज ये जो कलर था थोड़ा सा हल्का हो रहा था. ओके, सो अभी देखना, मैंने कलर करके चेक किया तो ये थोड़ा हल्का था, इसमें थोड़ा सा और रेड मिला करके पिंक कलर देना है हमें अपने स्वान को. सो यहाँ पे आप 3 नंबर का ब्रश यूज़ करके इसको फिल इन करेंगे, जो भी हमारा कलर यहाँ पे यूज़ कर रहा है दैट इज़ पिंक कलर. अगर आप कोई और कलर यूज़ करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, बट हाँ आपका बेस अगर कोई और कलर का होगा तो रेड के अलावा और कोई कलर अच्छा लगेगा, बट मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है मैंने अभी तक काफ़ी सारे आलेखन बनाए हैं, बट ब्लू पे ना, डार्क ब्लू अगर आपने किया है तो आपका जो फ्लावर है
वो रेड कलर का ही ज़्यादा अच्छा खिल के आएगा या फिर येलो कलर, ठीक है, ब्लू पे रेड कलर या फिर येलो कलर ही खिल के आता है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा अपनी बोर्डिंग एग्जाम में कि बेस का कलर कौन सा है और फ्लावर के कलर का कौन सा है। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल करके ही आपके आलेखन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देंगे, दैट इज़ फ्लावर का कलर और बेस का कलर, एकदम इनका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे आउटलाइनिंग के लिए अपना रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, ये नॉर्मल रेड कलर है, मैंने इसमें कोई भी डार्क शेड देने की कोशिश नहीं की है यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारा बर्ड है वो पिंक कलर का है और नॉर्मल आप रेड कलर से ही आउटलाइनिंग देंगे तो भी ये काफ़ी ज़्यादा उभर के आएगा। सो यहाँ पे आपको ज़्यादा डार्क देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पे ज़्यादा डार्क दे दोगे ना तो काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा कलर आ जाएगा, सो यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। सो फिर जो भी आपके लाइनिंग्स बचे हैं उनको आप आउटलाइनिंग दे दीजिए, और यहाँ पे जो हमारा बीक है, जो हमारे फ्लावर का, सॉरी फ्लावर कह रही हूँ मैं यहाँ पे, बर्ड जो बर्ड का चोंच है उसको भी मैं रेड कलर से ही फिल करूँगी, रेड कलर ही डालूंगी इसमें, और आपके आईज़ को, मतलब बर्ड के आईज़ को भी थोड़ा सा रेड कलर का ही स्ट्रोक दे देंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कोई बच्चे हैं जो बहुत बिगनर हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वो बर्ड ना बनाएं, क्योंकि बर्ड की जो आईज़ होती है काफ़ी टैकी होती है। सो आईज़ बनाना मतलब उतना टफ नहीं है, बट यहाँ ब्रश का यूज़ करके हमें आईज़ बनाना होता है, आईज़ की आउटलाइनिंग्स देनी होती है। सो ये जो बच्चे ब्रश चलाना नहीं जानते अच्छे से तो सो बर्ड ना बनाएं, ठीक है। और कोई चीज़ बना सकते हैं, जैसे आपका बटरफ्लाई हो गया, तितली हो गया, वो बहुत ईजी होता है, वो बना सकते हो। मेरी आने वाली जो वीडियो है वो बटरफ्लाई पे बेस्ड होगी, मैंने दो वीडियो ऐसे हैं जो अभी तक बटरफ्लाई वाली बनाई है, वो भी जाके आप हमारे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारा बर्ड एंड फ्लावर कम्प्लीट हो गया है, तो अभी यहाँ पे आईज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 नंबर का ब्रश यूज़ करके थोड़ी सी डार्क रेड कलर यूज़ करूँगी और आईज़ को शेपिंग कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा आईज़ कंप्लीट हो गया, और अभी बर्ड में हम थोड़ी सी इसकी शेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि आपको काफ़ी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लुक आएगा और क्लीन भी लगेगा थोड़ा सा। सो ये हो गई, यहाँ पे शेडिंग मैंने दे दी थोड़ी थोड़ी, और आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी शेडिंग देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, एंड थोड़े से फेदर्स बना देने, फेदर्स की स्ट्रोकिंग दे देने, तो उसके बाद ये आपका बर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी आप चाहो तो यहाँ पे वाइट कलर यूज़ करके इसको इन्हांस करना चाहते हो तो इन्हांस कर लो, अदरवाइज इट विल ओके, ये इतना भी ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट कलर यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रेड कलर था ना थोड़ा सा फैल गया था, तो ये चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये भी ठीक है। सो यहाँ पे अभी जो मैं डिज़ाइनिंग पेटल्स और हमारा लीफ है ना उसे मैं येलो ऑर्ज कलर, इवन यू नो जो येलो कलर का थोड़ा सा डार्क शेड होता है उसको येलो ऑर्ज कलर कहते हैं। तो यहाँ पे येलो ऑर्ज कलर की मैं इन शेड दूंगी जो हमारा लीव्स एंड डिजाइनिंग पेटल्स में फिल होगा, और ये हम पूरा पूरा फिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पूरा पूरा फिल कर दूंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे बीच में थोड़ी सी जो हमारे पेज की नेचुरल वाइट कलर है उसको ही हम छोड़ देंगे, फिर उसके साइड साइड में हम अपना येलो ऑर्ज कलर फिल कर लेंगे, जो कि काफ़ी खूबसूरत और एक नीट एंड क्लीन लुक आएगा आपके आलेखन का। सो हियर यू कैन सी, जैसे जैसे मैं आपको वीडियोस में दिखा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ और आपका आलेखन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाने वाला है। वेल, अगर आप बोर्डिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप एक अच्छा खूबसूरत सा आलेखन ड्रॉ कर पाओ अपने बोर्डिंग एग्जाम में, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इवन बोर्डिंग एग्जाम में जाने से पहले या कम से कम 50-60 आलेखन की प्रैक्टिस कर लीजिए आप, जो कि डिफरेंट फ्लावर पे बेस्ड और डिफरेंट बर्ड्स पे बेस्ड होनी चाहिए। काफ़ी सारे आलेखन की डिज़ाइनिंग को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, बिकॉज आपको भी पता है कि जब आप बोर्डिंग एग्जाम में बैठे हो तो आपके सामने बुक नहीं होगा, ना ही कोई वीडियो चल रही होगी जिसको आप देख करके एक सुंदर सा आलेखन ड्रॉ कर लें, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अभी, बिकॉज कहते हैं ना कि जब आप कई बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ओके, सो इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके कि आपका बोर्ड पास में है और उसकी प्रैक्टिस आप करो, बिकॉज जब डिफरेंट आलेखन की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और वो काफ़ी खूबसूरत सा बनेगा आपके बोर्डिंग एग्जाम में। और हाँ, आपको तो ये पता ही है कि जो आपका ड्रॉइंग का एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स के होंगे, सो 100 मार्क्स आपको बिना कुछ मतलब बिना कुछ लर्न किए, बिना दिमाग ज़्यादा खर्च किए आपको मिल जा रहे हैं, सो ये तो बहुत अच्छा है ना। सो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और मेरे वीडियोस के थ्रू भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज जो हमारा आलेखन है ना बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए ही मैं बनाती हूँ, ताकि जो बच्चे हैं ना उनको बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े कि यार हमें कोई आलेखन सिखा दे, कोई हमें शेडिंग पिक्चर सिखा दे। सो ये चीज़ आप माइंड में रख लो कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करे हो ना हमें सब्सक्राइब करके, सो यहाँ पे आपको लेटेस्ट हर एक लेटेस्ट ड्राइंग से रिलेटेड हर वो वीडियोस मिलेंगी जो आपकी डिमांडेड होंगी, और जो आप डिमांड नहीं करोगे मैं अपनी तरफ से ज़रूर वो वीडियोस अपलोड करूँगी।
अभी अगर वो व्यूअर्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि रैबिट पे बनाए आलेखन और पीले कनेर पे बनाए, सो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी वीडियोस बन चुकी है, वो आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। सो उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि आप लोगों की वीडियोस नहीं बनी है। मतलब आप लोगों की जो डिमांडिंग वाली वीडियो थी वो नहीं, मतलब वो बन गई है, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं बना है। वो भी आज शाम तक ही अपलोड हो जाएगी, सो प्लीज़ वेट फॉर इट। अगर हमारे कोई न्यू व्यूअर हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, बिकॉज अगर आप यहाँ पर आए हो ना तो आप खाली हाथ नहीं जाओगे, यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे और वो इंटरेस्टिंग होगा, इवन वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो मस्ट ज्वाइन अस आवर चैनल बाय सब्सक्राइबिंग दिस। सो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना गाइज, बिकॉज सब्सक्राइब करने में तो आपका कुछ नहीं जाता ना, सब्सक्राइब करने में तो आपके 2 सेकंड ही लगते हैं, बट ये जो 2 सेकंड आप हमें दोगे ना वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है गाइज। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे बाय द पुश नोटिफिकेशन। सो वेल वेल बहुत बातें हो गई और हमारा आलेखन भी कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो सो प्लीज़ हमें कमेंट करना, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर दूंगी, बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कोई भी बच्चा अगर किसी क्वेश्चन से जूझ रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आंसर ना मिले। मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ कि मैं वो हर रिलायबल आंसर दे पाऊँ जो आप चाहते हो, जैसा आंसर आपको चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो आपके आलेखन ने हेल्प करने वाली है, हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे अभी देखोगे हमारे जो आलेखन है काफ़ी बढ़िया बन गया है और ये अच्छा भी लग रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो रही हो तो हमें ज़रूर कमेंट करना। यहाँ पे मैं ब्राउन कलर यूज़ करूँगी आउटलाइनिंग के लिए, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो या फिर येलो कलर में ही थोड़ा सा, आप अगर रेड मिक्स करो ना तो ये ऑरेंज का लुक आएगा, और हाँ ये मत कहना है ऑरेंज तो दूसरा कलर हो जाएगा, वो उसी कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि आपने येलो कलर का ही स्ट्रोक यूज़ किया होगा, ठीक है। या फिर येलो में ब्राउन मिक्स कर लो तो वो भी थोड़ा सा डार्क येलो हो जाएगा, येलो और से डार्क हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने आउटलाइनिंग के लिए ना ब्राउन कलर यूज़ किया है क्योंकि मतलब जब मैं ये बना रही थी तो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने कलर नहीं बना पाया, सो मैंने ब्राउन कलर ही डाल दिया अपने आउटलाइनिंग के लिए। सो यहाँ पे देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और अगर आप नहीं करना चाहते ब्राउन कलर तो कोई भी डार्क येलो कलर यूज़ कर सकते हो। सो लास्टली आप देख लोगे हमारा जो आलेखन है कितना खूबसूरत लग रहा है, और मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही और सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ड्राइंग से रिलेटेड तो ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी आपको विद इन 1 डे और 2 डेज भी हो सकते हैं, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लेती हूँ अलविदा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो लेट्स मीट इन अदर वीडियो, सी यू सून।